everyone, once again welcome back to my channel. So आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल एंड आज मैं मीशो से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइनर साड़ियाँ ब्लाउज एंड बहुत कुछ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा. पूरा है जो कलरफुल कलेक्शन है एंड ये कलेक्शन है स्पेशली तीज एंड रक्षाबंधन के लिए क्योंकि सारे फेस्टिवल है जो लाइनअप है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ जो साड़ियाँ हैं कुछ प्रोडक्ट है जो सेलेक्ट किए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद. एंड सारी साड़ियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल है बजट फ्रेंडली है एंड काफ़ी अमेजिंग लगेगी किसी भी फेस्टिवल में पहनने में. तो वीडियो को पूरा देखना आप बिल्कुल भी स्किप मत करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा ये आपके लिए. एंड जितने भी जो साड़ियाँ हैं प्रोडक्ट है सभी है रीसेलिंग में. इनमें से अगर कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो आप मुझसे कर सकते हो. मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस मैं साथ के साथ यहाँ पर मेंशन करती रहूँगी तो आप ध्यान रखना. और रीसेलिंग का मतलब है उस प्राइस में आप मुझसे बाय कर सकते हो एंड मेरे पास ओनली वन प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं. तो अगर आप लेना चाहते हो तो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए. इंस्टाग्राम पर लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे क्लिप दे दूंगी वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट रहिए क्योंकि इंस्टाग्राम के थ्रू ही आप मुझसे परचेज कर सकते हैं. और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से. लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. अगर आप वहाँ से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैक्ट 30% एंड 100 रेट का ऑफ देखने को मिलेगा. तो मेक श्योर आप वहीं से मीशो डाउनलोड कीजिए एंड जितने भी प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो सबके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वहाँ से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं. तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं ब्लाउज से. ब्लाउज आपको इसमें दो फैब्रिक ब्लाउज के देखने को मिल जाएंगे एंड ब्लाउज बहुत ही ज्यादा कलरफुल ब्लाउज है एंड ब्लैक कलर का आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिलेगा. फुल एम्ब्रॉयडर्ड है. लुक एट दिस टर्म. जैसा पिक्चर में बताया था वैसा कि वैसा आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा. पूरा जो है एम्ब्रॉयडरी का काम है थ्रेड से किया हुआ है एंड मल्टी कलर ब्लाउज है. स्टिच कराने के बाद बहुत अच्छा लुक आएगा एंड पूरी एम्ब्रॉयडरी है जो टैफेटा सिल्क के ऊपर की गई है यानी कि पूरा ब्लाउज आपको टैफेटा सिल्क में देखने को मिल जाएगा. दो फैब्रिक है. बैक वाला फैब्रिक बिल्कुल प्लेन दिया है तो स्टिच कराने के बाद लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा इस ब्लाउज का एंड फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है एंड ये आपके एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा. इतना फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है. अब मैं आपको बताती हूँ साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी. साड़ी बिल्कुल प्लेन है क्योंकि ब्लाउज इन्होंने काफ़ी हैवी दिया है तो साड़ी प्लेन रखी है लेकिन इसमें जो मिरर का काम किया गया ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है एंड जो ये लाइनिंग वाला पैटर्न है ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है. तो इस तरीके की आपको पूरी साड़ी देखने को मिल जाएगी. जो नीचे वाला पार्ट है वो आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा. जो आप नीचे की साइड ड्रैप करते हो वो प्लेन दिया है बस. बाकी पूरा आंचल पे आपको इस तरीके की लेस देखने को मिल जाएगी एंड ये फुल एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर वाली लेस है. लुक एट दिस. ये रियल मिरर्स इसमें लगाए हुए हैं एंड 5.5 मीटर की आपको ये पूरी साड़ी देखने को मिल जाएगी. जब आप ड्रैप करोगे लुक काफ़ी अच्छा आएगा एंड तीज वगैरह के अकॉर्डिंग या फिर रक्षाबंधन के अकॉर्डिंग परफेक्ट रहेगा ये वाला लुक एंड कुछ स्टाइलिश हो जाएगा थोड़ा डिफरेंट सा लुक हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको इस तरीके के टैसल्स देखने को मिल जाएंगे आंचल पे. तो साड़ी का जो फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक है. पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है एंड पहनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आने वाला है तो ट्राई जरूर करना एक बार. एंड प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगी प्लस थोड़ा डिजाइनर लुक है तो आप ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है वो है बहुत ही कलरफुल सी एक लहरिया साड़ी एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं बजट फ्रेंडली साड़ियाँ आपके साथ शेयर करूँ जो कि इस फंक्शन फेस्टिवल में भी काफ़ी अच्छी रहेगी प्लस बजट फ्रेंडली हो प्लस जो है इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो. एंड जो बहुत ही सुंदर लगी मुझे ये वाली साड़ी एकदम तो बहुत ही कलरफुल सी आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी एंड तीज वगैरह में रक्षाबंधन में इस तरीके की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड आप स्टाइल कर सकते हो इन्हें किसी भी जैसे इसके साथ जो चुनरी वाला जो बॉर्डर दिया हुआ है तो आप इसे स्टाइल कर सकते हो चुनरी के ब्लाउज के साथ बेल्ट के साथ लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा एंड ये पूरी कलरफुल आपको इस तरीके की लहरिए वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी. पूरे पे आपको इस तरीके का बॉर्डर दिया हुआ है प्लस जो डिटेलिंग की गई है गोटे की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड ये है इसका आंचल. एक तो साड़ी है जो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है जॉर्जेट फैब्रिक है. फुल लुक आपको पूरा साइड में क्लियर हो जाएगा एंड सभी की प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ तो आप ध्यान रखना एंड मुझे इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी. चारों तरफ इसमें आपको लेस देखने को मिल जाएगी. बाकी पूरी साड़ी प्लेन है लाइट वेट है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी तीज में ट्राई करना. काफ़ी अच्छा फैब्रिक है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगी एंड इतना सा जो पार्ट है ना वो इन्होंने प्लेन दिया है. जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा. बाकी पूरी साड़ी है 5.5 मीटर की और ब्लाउज आपको इस तरीके का इसमें देखने को मिल जाएगा. ये बैंगलोरी सिल्क का ब्लाउज है पिंक कलर का जो कि इन्होंने इसमें अटैच दिया हुआ है. बस स्लीव्स पे
आपको इस तरीके का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। आपके पास कोई चुनरी वाला ब्लाउज है, जैसे मेरे पास है एक ब्लाउज चुनरी वाला, तो अगर आप वैसे ब्लाउज के साथ इसे स्टाइल करोगे काफी अच्छा लुक आएगा, थोड़ा डिजाइनर एंड डिफरेंट ब्लाउज हो जाएगा। तो आप इसमें भी कुछ चुनरी वाला जो है अलग से फैब्रिक लिख के ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो, काफी अच्छा एंड हैवी ब्लाउज हो जाएगा एंड साड़ी का लुक काफी इनहेंस हो जाएगा। तो इस चीज में ट्राई जरूर करना, काफी अच्छा एंड डिफरेंट लुक आने वाला है एंड साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, पहनने के बाद लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है। अब जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है वो है ग्रीन कलर में, क्योंकि आने वाली है हरियाली तीज एंड अगर आप ये वाली साड़ी लेना चाहते हो तो ये वाली ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी ये वाली साड़ी भी। एंड इसका जो प्रॉपर कलर है ना वो बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर है, डार्क वाला ग्रीन कलर नहीं है एंड पूरी साड़ी आपको मिरर वर्क में साड़ी देखने को मिल जाएगी। इस हॉल में मैंने ट्राई किया कि आपके साथ पूरा फेस्टिव कलेक्शन शेयर करूँ, प्लस ऐसा कलेक्शन शेयर करूँ जो कि अफोर्डेबल प्राइस में हो एंड आपके लिए बजट फ्रेंडली हो, तो कुछ इसी टाइप का कलेक्शन मैंने ढूंढा एंड ये साड़ी मुझे परफेक्ट लगी। ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी एंड इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे मीशो पे दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। मैंने ग्रीन कलर पिक किया है अभी फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग एंड ये जो मिरर्स है, ये वाला आप लाइनिंग देख लो ना, ये वाले मिरर्स ये फॉइल मिरर्स है, क्वालिटी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड पूरा आपको ही लहरिया पैटर्न में ही वो ही मिरर्स देखने को मिलेंगे। फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, मिरर वर्क का काम है, प्लस इसकी सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी ना, इसकी लेस यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की इस तरीके की सिक्वेंस की लेस देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है एंड इसका भी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा जब आप इसे पहनोगे, कुछ डिफरेंट लुक है। तो ग्रीन नहीं लेना है तो ग्रीन के अलावा ये बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हो एंड कुछ इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है तो पूरे दिन भर आराम से कैरी कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा एंड पूरी साड़ी एज इट इज देखने को मिलेगी आंचल से और यहाँ तक पूरी साड़ी सेम है। फुल लुक आप साइड में देखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा एंड इतना सा जो पार्ट है बस वो प्लेन दिया है जो कि आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा। पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है एंड इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज मिल जाएगा, 90 सेंटीमीटर का अटैच है, टैफेटा सिल्क का ब्लाउज है, लेकिन आप इसे इस ब्लाउज के साथ स्टाइल मत करना, क्रॉप टॉप वगैरह के साथ स्टाइल कर सकते हो, लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा, या फिर आप चाहो तो सिक्वेंस ब्लाउज के साथ मिरर ब्लाउज के साथ इसे स्टाइल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे स्टाइल करना एंड परफेक्ट रहेगी यार इस चीज में, कुछ मिरर वर्क है एंड सबसे अच्छी बात है मिरर है जो फॉयल मिरर है तो हटने वाला भी डर नहीं है कि इधर उधर हटेंगे या चुभेंगे, वो चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल लाइट वेट है एंड ईजिली आप पूरे दिन भर कैरी कर सकते हो। तो ये है जो साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने सोचा पिक करके देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत आई है ये वाली साड़ी भी। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने तीज के लिए स्पेशली पिक की है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो भी है एक लहरिया एंड बहुत ही कलरफुल सा लहरिया है, लेकिन इसको पिक करने का एक रीज़न था कि इसमें जो एक थ्रेड वाली लेस लगाई हुई है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंड यूनिक सी लग रही है ये वाली, लुक एट दिस ना, बहुत ही अमेजिंग सा है ये एंड बहुत सुंदर लगेगा ये वाला पहनने के बाद, आप देखना बहुत अच्छा लुक आएगा जब आप इसे स्टाइल करोगे किसी भी कलरफुल ब्लाउज के साथ एंड मैं आपके लिए कलरफुल ब्लाउज का भी ऑप्शन लेके आई हूँ। तो अगर आप साड़ी ले लो एंड ब्लाउज अगर आप वो परचेज कर लोगे तो सब पे सब साड़ियों पे इजीली आपके चल जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लाउज से, ब्लाउज इसमें आपको पिंक कलर का देखने को मिल जाएगा, प्लेन ब्लाउज है एंड यहाँ पे इस तरीके के थ्रेड्स एंड गोटे का काम किया हुआ है जो कि आपके स्लीव्स पे आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा ये वाला ब्लाउज भी स्टिच कराने के बाद, या फिर आप बाय कर लीजिए एक मल्टी कलर ब्लाउज जो कि इन सब साड़ियों के साथ इजीली चल जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे एंड पूरी साड़ी आपको जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी। एक तो कलर्स इतने ब्राइट कलर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं एंड आपके लुक को इन्हेंस करते हैं, प्लस समर्स में या फिर फेस्टिवल में लहरिया बहुत सुंदर लगता है, बहुत अमेजिंग लुक आता है एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है फ्रेश लुक आता है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट है। पूरी साड़ी आपको प्लेन देखने को मिलेगी, लाइट वेट है, कलर्स आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की ये थ्रेड वाला जो है लेस लगाई हुई है, प्लस यहाँ पे गोटे की डिटेलिंग की हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, प्लस हो सकते हो टेसल्स वाली लेस है, छोटे छोटे टेसल्स की इसमें लेस लगाई हुई है, प्लस पूरे पे गोटे की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, लुक आपको पूरा साइड में क्लियर हो जाएगा, प्राइस सभी की आप देखते रहना एंड कुछ इस तरीके की
आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी एंड पूरे आंचल पे भी आपको इस तरीके का जो है टसल्स वाली लेस देखने को मिल जाएगी। तो सबसे अच्छी बात है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है तो इजीली आप पूरे दिन भर कैरी कर सकते हो एंड लुक भी काफी ज्यादा अच्छा आएगा क्योंकि कलर से जो काफी ज्यादा ब्राइट है एंड फ्रेश है। पूरी 5.5 मीटर की आपको साड़ी देखने को मिलेगी एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है मीशो पे अभी साड़ियाँ, वो भी तीज के लिए स्पेशली, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। काफी अच्छा है ये वाला लुक भी एंड ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है। अब इन सब साड़ियों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा आपके साथ एक ब्लाउज शेयर करती हूँ जो कि आपके सभी फेस्टिवल्स में आराम से चल जाए प्लस सभी साड़ियों के साथ आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं एंड आप ब्लाउज बनवाते हो, स्टिच कराते हो, इतना सोचते हो एंड पैसे भी खर्च करते हो तो बहुत ही ज्यादा वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है एंड तो मैंने सोचा एक मल्टी कलर ब्लाउज आपके साथ शेयर कर दूं। तो मीशो पे मुझे ये वाला ब्लाउज दिखा जो कि मुझे काफी अफोर्डेबल प्राइस में दिखा प्लस ऐसा ब्लाउज है जो आपके इस फेस्टिवल में आराम से किसी भी साड़ी के साथ चल जाएगा क्योंकि ये मल्टी कलर ब्लाउज है एंड पूरा आपको सिल्क फैब्रिक में ये ब्लाउज देखने को मिलेगा एंड पूरे पे आपको जरी का काम देखने को मिल जाएगा। कलर्स आप देख सकते हो इसमें पिंक, ग्रीन, येलो, बेज कलर, गोल्डन, आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे और ऐसे कलर्स है जो कि काफी ज्यादा अच्छे है प्लस ब्लाउज का पैटर्न काफी ज्यादा खूबसूरत है। पूरा ब्लाउज आपको पैडेड देखने को मिलेगा एंड प्रॉपर आपको अंदर की साइड लाइनिंग दी हुई है। बैग इसका काफी ज्यादा प्यारा है जो कि आपको क्लियर हो जाएगा फुल इमेज में, कुछ इस तरीके का बैग देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड क्लोजर है एंड नीचे की साइड आपको इस तरीके के टेसल्स दिए हुए हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड बहुत ही अमेजिंग लगेगा ये वाला ब्लाउज। बड़े बड़े टेसल्स हैं एंड इस तरीके का ब्लाउज मेरे पास पहले ऑलरेडी है लेकिन मैंने देखा कि मीशो पे भी अवेलेबल है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड किसी भी लहरिया वगैरह साड़ी किसी के साथ भी काफी अच्छा लगेगा, इस फेस्टिवल में काफी अच्छा लगेगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है प्लस डिजाइनर ब्लाउज है एंड बैक में जो टेसल्स दिए गए हैं वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। साइज की मैं बात करती हूँ तो ये है अप टू 38 तक जो कि एक्सेल साइज तक आपके इजीली आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको इसमें स्लीव्स भी देखने को मिल जाएगी तो जो स्लीव्स नहीं पहनते हैं वो स्लीव्स अटैच करा सकते हैं, ये भी काफी अच्छा है। तो ये है जो नेक्स्ट ब्लाउज मुझे काफी अच्छा लगा एंड मैंने पिक किया है इस फेस्टिवल्स के लिए। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैं इस हॉल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैंने मीशो से पिक नहीं किया है, वो मैंने मिंत्रा से लिया लेकिन अलग से मैं वीडियो पता नहीं कब बना पाती मिंत्रा की तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। एंड ये मैंने तब परचेज की थी जब अभी सेल आई थी मिंत्रा की एंड इस वॉच को मैं काफी टाइम से परचेज करना चाहती थी जो कि ऑलरेडी मैंने पहनी हुई है। 1000 मैंने ये परचेज किया, शायद 900 या 950 के आसपास, लेकिन आप इसका लुक देखो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छा है। आपको रोज गोल्ड कलर में देखने को मिल जाती है। मेरे पास वॉच काफी सारी है एंड मैं ट्राई करती हूँ वॉच अफोर्डेबल प्राइस में ही लू, ब्रांडेड लू लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि मुझे अलग अलग वॉच पहनना बहुत ज्यादा पसंद है जो भी ड्रेसेस के साथ की वॉच हो एंड कुछ ये वाले रोज गोल्ड कलर में मेरे पास ऑलरेडी एक वॉच है लेकिन मैंने पिक कर ली एंड ये है फ्रॉम दी ब्रांड ड्रेस वेरी। लुक काफी ज्यादा अच्छा है इस वाली वॉच का एंड काफी ज्यादा स्टाइलिश है, वेस्टर्न या एथनिक दोनों के साथ आराम से चल जाएगी एंड अफोर्डेबल प्राइस में है। पर जब मैंने ली थी सेल चल रही थी तो मुझे अराउंड 950 मिल गई थी, पर मे भी हो सकता है थोड़ा प्राइस अभी फ्लैक्चुएट हो गई हो। अभी अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद जो है इन स्टॉक हुई है, पहले सोल्ड आउट हो गई थी इसका ये वाला कलर एंड फाइनली मुझे मिल गई है। क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, फुल लुक आपको पूरा साइड में क्लियर हो जाएगा, मैं पिक्चर डाल दूंगी एंड बॉक्स है जो ड्रेस बनी का कुछ इस तरीके का मिलता है, पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी आती है एंड अफोर्डेबल प्राइस में एक काफी अच्छी वॉच है एंड ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा, मोस्टली आपकी सभी आउटफिट के साथ चल जाएगी। तो इस वॉच का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का मेरा मीशो हॉल एंड आई होप आपको पसंद आया होगा एंड मैंने बहुत सारे आउटफिट्स अभी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ऑर्डर किए हुए हैं क्योंकि अभी है जो तीज में थोड़ा सा टाइम है तो मैं कंटिन्यू आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद बेल आइकन जिससे आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं हो फेस्टिवल से रिलेटेड, रीसेलिंग से रिलेटेड। तो प्लीज मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।